नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल द नेगी में। और आज जो है हमारे यहां के जो पटवारी हैं गौरव कुमार जी, वो विजिट करने आ रहे हैं, निरीक्षण करने आ रहे हैं खेतों का, जो खेतों में नुकसान हुआ है फसलों का उसे देखने के लिए। और उसके बाद जो है वो फाइल तैयार करेंगे हमारे ग्रामीण किसानों की और मुआवजे दिलाने का जो है प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। और कुछ सवाल भी हैं इसमें जो हम पटवारी जी से करेंगे, और कुछ ग्रामवासी हैं जो किसान हैं हमारे, उनसे भी कुछ सवाल आते हैं वो पूछेंगे इनसे। तो चलिए, गाड़ी आ गई है, आ गए हमारे पटवारी जी, क्या हाल है? बढ़िया। एरिया में नुकसान हुआ है आपके? ये आगे तो नहीं जा सकता, लेकिन काफी मतलब लमसम दस बीघे में। और कौन से जानवर ने नुकसान किया आपका? हाथी ने किया। जी, ठीक है, चलो देखते हैं फिर चल के ना। हम हाथी को तो इससे पहले कभी मुआवजे की फाइल अप्लाई किया आपने मुआवजे के लिए? नहीं, पहले कभी अप्लाई नहीं किया आपने? पहले करीब पर पहले मिलता नहीं था। हाँ, चला उतना खर्चा ये इस माह से था, क्या कागजात निकालने में। हाँ, 20-25 रुपए मिलते थे फुल टोटल। अच्छा जी, बस चलो आप इस बार जो है इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं, देखते कितना पैसा मिलता है मुआवजे का। सब आपके? हाँ जी, कितना मिलता है? ठीक है। और वैसे मैं काफी टाइम बात कर रहा हूँ ये। हाँ, वैसे पहले कब का बता रहे हो आप, जब कम मिलते थे पैसे? कम से कम 15-20 साल पहले। 15-20 साल पहले की बता रहे हो आप? ठीक है, ठीक है। पटवारी गौरव जी से मेरा सवाल है कि वो फसलों का नुकसान कैसे पता लगाते हैं और कैसे जो है उसको चेक करते हैं? तो चेक करते हो कि कितना नुकसान हुआ है फसल का खेत के अंदर? सबसे पहले हम किसान की जो है खसरा खदोष का खेत नंबर पता करते हैं नंबर, फिर हम नक्शे से हाँ खेत का रकबा देखते हैं, टोटल रकबा कितने का। हाँ, कितने रकबे में नुकसान हुआ है जी। उसके बाद हम उसमें एक अपनी रिपोर्ट बन जाती है तहसील द्वारा कि किसान का इतने बीघे जमीन में से इतने बीघे का नुकसान हुआ, फिर हम अपनी आंखें लगा देते हैं उसमें। मेरा सवाल ये है कि मुआवजे की फाइल बनाते समय आप किन बिंदुओं पे ध्यान देते हैं? तो किन बिंदुओं पे ध्यान देते हैं पटवारी जी आप? सबसे पहले मुख्य बिंदु होता है फाइल बनाने का कि जो फसल का नुकसान हुआ है वो जंगली जानवर हुआ है, जंगली जानवरों द्वारा हुआ है, या फिर अन्य जो आवारा पशु है उनके द्वारा हुआ है। तो अगर जंगली जानवर द्वारा वो फसलों का नुकसान हुआ है तो उसमें जो मुआवजा किसान को मिल सकता है वन विभाग द्वारा। जी, ये है कि फाइल तैयार होने के बाद जो है किसानों को कितना समय लगता है मुआवजा मिलने में? मुआवजा मिलने में जो है वन विभाग के पास रिपोर्ट चली जाती है, वन विभाग फिर अपने ऑफिस से फाइल तैयार करके लगभग 1 या 2 मंथ में मुआवजा मिल सकता है। अगला सवाल मेरा ये है कि आप जंगली जानवरों से बचाव के लिए कोई सुझाव दे सकते हैं क्या? उपाय हैं आपके पास जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए? एक तो वन विभाग की चौकी बनाई जाए यहाँ पर जी कालागढ़ के पास, क्योंकि यहाँ कालागढ़ इस्लाम नगर पंचायत में जो है का उत्तराखंड के नजदीक है कालागढ़, मतलब हाँ जंगली जानवरों का क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक चौकी बननी चाहिए वन विभाग की। जी जी जी, जो बहुत ही जरूरी है जी। हमारा भी यही सुझाव है कि यहाँ पर चौकी बन जाएगी तो कुछ जंगली जानवरों से रोकथाम हो सकती है, सुरक्षा हो सकती है जी जी, फसलों की भी। और आम तो पहला कदम तो ये होना चाहिए कि चौकी बननी चाहिए यहाँ पे। हाँ, चौकी बननी और थोड़े से जो है यहाँ पे वो कर्मी जो है फॉरेस्ट कर्मी यहाँ पे होने चाहिए, फॉरेस्ट कर्मी। और जो दीवार भी इसकी मरम्मत वन विभाग कराए, अपने तारों की फेंसिंग करा दे जी जी जी, जिससे कि उत्तराखंड कालागढ़ से जानवर जंगली जानवर इधर नुकसान नहीं कर पाए। जी जी जी, ठीक है। हाँ जी बोलिए, बताइए आपके यहाँ क्या नुकसान हुआ, कितना हुआ है? हमारे यहाँ जो है हाथी है और सांबर। हाथी और सांबर से नुकसान हुआ, कितना हुआ लगभग आपके खेत में? लगभग कम से कम भी मेरे हिसाब से भी जो हम 3 भाई है ना। हाँ, तो जो इस समय लगभग 2-3 बीघा कम से कम है। अच्छा, तो उस जून से सांभर मतलब जो गंदे को काट रहे हैं पैदावार कम हो जाएगी उसकी। और आप जो हाथी रहे कई डिग्री रखे। और धीरू भाई, आपके यहाँ पे कितना नुकसान हुआ, किन किन जानवरों से हुआ? सब यहाँ पे हमारा 10 बीघे का प्लॉट है, तो 10 बीघे में जैसे फसल होनी चाहिए 500 क्विंटल गन्ना होना चाहिए। हाँ, तो इस समय गन्ने की जो औसत आप देखेंगे तो 100 क्विंटल भी बहुत मुश्किल से निकलेगा। अच्छा, तो 10 बीघे में मान के चलिए बुरी तरह से नुकसान हो रहा है, लागत भी नहीं हो रही। लागत का नुकसान है बहुत ज्यादा। और किन जानवरों से भाई? ये हाथियों का और ये नीलगाय सांबर, इनका नुकसान, इनका प्रकोप ज्यादा। अगला सवाल ये है अपने किसान भाइयों से कि क्या मुआवजा उनका पूरी भरपाई कर पाएगा?
मुआवजा भरपाई ये तो हमें दवाई खेतों की दवाई के लिए भी नहीं है जी। क्योंकि मैं जब मैं कालागढ़ में हमारा जो क्षेत्र था ये कार्बेट टाइगर रिजर्व में कालागढ़ में हमारी ईडीसी थी उसमें आता था, तो उसमें कम से कम भी एक किसान को ज्यादा भी एक फसल में कम से 8 से 10 हज़ार मिल जाता था। अच्छा। तो दवाई का और खाद का खर्चा मिल जाता, अब तो वो भी नहीं मिल रहा। और ये 10-12 साल से हमें यूपी में डाल के हमें बहुत नुकसान कर रखा है, हमें जो है नुकसान जितने जानवर है वो कार्बेट के, यानी कि वो उत्तराखंड के हैं और वो यूपी में आ रहे हैं। ये बात करते हैं कि साहब जो जानवर नेशनल का है, जानवर नेशनल का सारा हमें इन्होंने स्टेट में बांट रखा है, ये बिल्कुल दोगली चाल चल रही सरकार ने, ये भी हमें पसंद नहीं है। इसमें जो है विभाग के वन विभाग के उत्तराखंड के और यूपी के सब जो है अधिकारी मिले हुए हैं, ये एक दूसरे बात टालते हैं और अपना पल्ला झाड़ते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें मुआवजा कालागढ़ से मिले, मतलब उत्तराखंड से मिले, कार्बन नेशनल पार्क से मिले, यूपी से तो बिल्कुल हमें मुआवजा मिला नहीं आता, हमें मिलेगा आसान नहीं हमें कि हमें अब मिल जाएगा। ये तो ये कि चलो पटवारी जी जो हमारे ये आ रखे हैं ये हमारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मतलब जो ये हमारी भविष्य में आप इस तरह के हालात से निपटने के लिए सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से तो हम ये उम्मीद कर हमारी ये क्या मुआवजे की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन किया जाए और इसको आसान किया जाए, और यहाँ पर जो हमारी दीवार है जंगली जानवरों को रोकथाम के लिए जो बनाई गई है इसको थोड़ा सही से बनाया जाए, रिपेयर किया जाए, इसमें करंट वगैरह की व्यवस्था की जाए, फेंसिंग की जाए प्रॉपर। जी 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 मैम, तो दीवार की प्रॉपर मरम्मत की जाए जी। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम जो ये मतलब ये मुआवजे की प्रक्रिया है इसमें इन्हें हमें जो है इसको लेनी पड़ती है, खतौनी लेनी पड़ती है। मेरा यही मतलब सरकार से यही मतलब वो है रिक्वेस्ट है कि एक ही बार एक फसल में खतौनी ली जाए, एक फसल में एक बार खतौनी ली जाए, चाहे वो बार बार उखाड़ो उखाड़ो बार बार दिखाओ, लेकिन खतौनी एक बार ली जाए, उसकी जो सर्वे करके और जो है वीडियोग्राफी करके, चाहे आप बहुत जल्दी 2 बार आता 3 बार जितने बार आएगा, लेकिन खतौनी एक ही बार जमा होगी। आशीष भाई आपसे मेरा ये पूछना है कि कार्बेट के जानवरों से आपको जो है किस तरह का नुकसान होता है, क्या समस्या है आपकी? सर ये हमारे नजदीक जो कार्बेट नेशनल कालागढ़ जो जंगल है यहाँ पर, तो सर इससे हमें काफी नुकसान है। कभी कभार तो ये होता है कि सर खेत में जो लागत लगाई है वो भी पूरी आनी, मतलब उस बिल्कुल लागत ना के बराबर है, लागत भी नहीं आती जी। तो और पूरी रात रात जागना पड़ता है खेतों में, बोला पूरी रात रात जागना पड़ता है, कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि हफ्ते भर तक, और ऊपर से फिर जान का खतरा लग जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं करने के लिए, ये करना क्या है कि जून से खा रहा है वो खा रहा है, इसमें तो वसूली भी नहीं हुई, जो लागत लगी वो नहीं आपको पता चलेगा।
तैयार नहीं है। हाँ, इतनी दीवार टूट रखी है, दीवार में ऐसे काम कर रहे हैं कि बस नाम का काम कर रहे हैं। बरमोला जी जुड़ गए हैं, वो यहाँ के किसान है हमारे गाँव के, और उनका खेत जो है कार्बेट से लगा हुआ है, तो उनसे पूछते हैं उनके यहाँ पे कितना नुकसान हुआ, किस जानवर से हुआ है। हाँ भाई, कितना नुकसान आपका, किस जानवर से हुआ है? नुकसान तो काफी हो रखा है यहाँ पे हाथी से जी, और अंदर काफी गन्ना तोड़ा हुआ है। हाँ। रात भर रख। कितना एकड़ जमीन आपके यहाँ पे? ये 10 बीघा जमीन है हमारी यहाँ पे। हाँ जी, इसमें जो हाथी ने पूरा नाश किया। हाँ जी, हाथी ने बिल्कुल ही वो कर रखा है। जानवर तो कई है यहाँ पे, नील गाय है, काखड़ है, सुंगर है, सुंगर भी नुकसान कर रहे हैं बहुत। मेरा भाई सगरा सवाल ये है कि आप सरकार से जो है इस तरह की हालात से निपटने के लिए और क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो सरकार से यही है कि बस हमारे यहाँ ये दीवार के फेंसिंग हो जाए और ये दीवार सही हो जाए ताकि जानवर रुक जाए और हम लोगों का नुकसान ना हो। चौकी बनाओ यहाँ पे, और एक चौकी यहाँ बढ़नी चाहिए जंगलात वालों की, बिल्कुल, जो कि हमारे खेतों की रखवाली भी हो जाए और हम लोग भी आए वो भी आए और जंगली जानवरों को रोक के रखे। ठीक। और मुआवजे के सिलसिले में कुछ कहना आपको? मुआवजे का तो ये है, जो नुकसान हुआ वो तो मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ जी, मिलना ही चाहिए मुआवजा। किसानों का जो भी है यही है, अगर जानवर नुकसान करे तो किसान कहाँ से वो करेंगे। सरकार से क्या उम्मीदें हैं इस विषय में, मुआवजे से रिलेटेड क्या उम्मीदें हैं उनकी सरकार से? तो उम्मीद रखते हैं। मुझे उत्तराखंड से हमें बहुत उम्मीद थी, उत्तर प्रदेश से अभी तक हमें मुआवजा मिला नहीं। एक बार मुआवजा मिला था 50 और क्या बोलते 100, 50, 51 रुपए मिल रहे थे जी। तो इस बार जो है मुआवजा जो है बिल्कुल जो मापदंड है मुआवजे का वो मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम जो है इसको आगे बढ़ाए। हाँ, जो किसानों का हक है भाई, हमारा ये कहना है कि जो नुकसान है और ये 10 से 12 साल हो गए मुआवजा नहीं मिला बिल्कुल नहीं, और हमें जो खेले जो जमीन बंजर छोड़ के, तो आगे भी हमें मुआवजा जो मिले, हम शासन से ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मापदंड के आधार पर हमें जो है मुआवजा मिले ताकि किसानों को कुछ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए, अन्य हम इसके प्रति कार्रवाई करेंगे फिर अगर नहीं मिला हमें सही। तो उनसे जानते हैं कि उनके खेत का कितना नुकसान हुआ है, कौन से जानवर के नुकसान हुआ है, कौन कौन से जानवर खेतों में आ रहे हैं जिनसे नुकसान हो रहा है? टाइम तो हाथी बहुत जोर मार रहा है और तुम्हारा राम भला करे, ये तमाम बंदरों ने तो इतना परेशान कर रखा मेरी मुंजी को, इतना नाश कर रखा कि ये फर्क लाया हूँ मैं दिखाने के लिए। अच्छा। कितने मतलब नुकसान हो गया मेरा, कम से कम 10 बीघे का एक फर्क है, 40 बीघे की एक है। अच्छा। ये तमाम तो मेजर नुकसान हाथी के द्वारा हो रहा है। मेजर नुकसान तो देखो रात को तो हाथी के द्वारा हो रहा है सबसे ज्यादा, दिन में बंदरों से हो रहा है। अच्छा। मैं तो दोनों तरफ से मारा जा रहा है, नील गाय भी आती है बहुत सारी। दोस्तों आज हमने देखा कि पटवारी गौरव जी ने जो है जमीनी स्तर पे काम किया और किसानों के मुआवजे के लिए कदम उठाए। सोचते हैं कि क्या ये मुआवजा किसानों के नुकसान की भरपाई कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।